हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉइस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपका लाप्लास चल रहा है, तो लाप्लास के अंदर हमने आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही उड़ा दी आराम तरीके आराम से। अब फोर्थ आती है, फोर्थ काफी ज्यादा अच्छी है, इम्पोर्टेंट भी है, कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट तो जरूर है। जब पेपर में आएगी तो आसान लगने लगेगी, जब हम पढ़ाएंगे तो आसान लगेगी लगेगी। अरे भाई साहब, हर चीज आसान लगती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आ जाए वो नहीं कहता है कि अरे सर जी आसान कितना है, लीजिए भाई कितना, साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी, ये आपको प्रूफ करना है। एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होगी आज फोर्थ, और इसमें से एक क्वेश्चन आपका ढाई नंबर में जरूर पूछता है। और जब पूछता है तो बच्चे कहते हैं कि यू तो बहुत ही आसान है, कभी कभी आपका ढाई नंबर में भी और कभी कभी आपको पांच नंबर में भी पूछता है, कहता है दर्शन कराते हैं हम इसके सॉल्यूशंस, जैसे वहां पढ़ा वही पढ़ना है, की दिक्कत है। यू के लिखा हुआ है साइन टी अपॉन टी, तो सबसे पहले तो इसको एग्जिस्ट कर लो, आ जाओ एग्जिस्ट करने के लिए, देखो फिर अब कर लो। के लिखा है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, चलो टी लिखा था, लो टी लिख दो। बच्चे कह रहे हैं सर जी टी लिखा हुआ है, तुम ऐसा पागल मत बना करो बच्चों के, बाय एल हॉस्पिटल। तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ टी टेंस टू जीरो कॉस टी अपॉन वन बराबर कॉस जीरो बराबर वन, एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर है। अब समझते हैं, लेट एफ टी उठा लो इस वाले टर्म को, साइन टी लाप्लास निकाला इसका अपने, एफ टी कितना आया, लाप्लास ऑफ साइन टी बराबर वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस के वन, ठीक है। अब वो क्या करना है, ये आपका क्या है एफ पी से, आ जाओ लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी बराबर लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, एफ टी मतलब साइन टी अपॉन टी, पी से इन्फिनिटी लिमिट एफ एक्स, छात्रों एफ एक्स क्या है यहाँ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वन इंटू डी एक्स, क्लियर। ये क्या होता है टेन इनवर्स एक्स होता है, और ये हुआ इन्फिनिटी टू पी, तो छात्रों ये मिल गया टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस के टेन इनवर्स पी, ये हो गया पाई बाई टू माइनस के टेन इनवर्स पी, तो छात्रों ये मिल गया आपको कोट इनवर्स पी, ना है कोई भी दिक्कत यहाँ तक, चलिए वेरी गुड। अरे वाह वाह, बच्चे तो समझदार हैं, है ना, अरे वाह बराबर, दिस इतना आ गया, मेरी बात समझना अब ध्यान से। लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी लिमिट ई की पावर माइनस के पी एक्स या पी टी, चलो पी टी ले लो, पी टी ले लो एफ ऑफ टी इंटू डी टी, यही होता है या नहीं होता ये बताओ मुझे पहले तो। लाप्लास ऑफ एफ टी जब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था। अब समझ लो अपने भेजे में इसको मान लो एफ टी, क्यों जीरो से इन्फिनिटी लिमिट चाहिए, मुझे पता वहां से मिल सकती है, आ जाओ लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, अरे एफ टी क्यों लिख रहे हैं आप इसको, लो साइन टी अपॉन टी बराबर जीरो से इन्फिनिटी लिमिट ई की पावर माइनस की पी टी, और एफ टी ये है आपका दिमाग में, तो ये आगा साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी बराबर, चल क्या रहा है कॉट पी कॉट इनवर्स पी, बट क्वेश्चन में ई की पावर माइनस पी टी नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन में ई की पावर माइनस पी टी नहीं है, तो क्या करेंगे हम गायब करेंगे, गायब कैसे हो जादू से, पी बराबर जीरो छड़ी घुमाई हमने, पी बराबर जीरो रखा, और रखते ही हमारे पास मिल गया ई की पावर जीरो कितना वन होता है, तो आपको क्या जानना साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी बराबर कॉट इनवर्स जीरो, और आप जानते हो कॉट इनवर्स जीरो किसकी वैल्यू है, पाई बाई टू की, निकालना आता है, दिस इज द प्रूफ, बात क्लियर, खत्म हो गया क्वेश्चंस, उड़ा दिया हमने, है ना, उड़ा दिया, समझ में आया, नोट कर लो जल्द से जल्द भाई।
जल्द से जल्द नोट कर लीजिए। जय हो। हो गया नोट। चलें फिर, चलते हैं फिर आगे, क्वेश्चन को देते हैं दर्शन। चलें अब देखो, बच्चे कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, और आपका एक एग्जाम्पल है 22, ये ठीक है। हां जी ठीक है, पेपर में मिलता है, ये 2.5 नंबर में दे देता है, ठीक है। ज्यादा नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपको, उसे सिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 लेने के बाद में, और एक क्वेश्चन, हाँ एक दो क्वेश्चन और लेंगे बस, दो क्वेश्चन और लूंगा बस, फालतू के, फालतू नहीं पढ़ाना अब। जियो से इन्फिनिटी इ की पावर माइनस के 3t, इ की पावर माइनस के 60 अपॉन टी डी टी बराबर लॉग ऑफ 2। चलो भाई नोट कर लिया होगा। जब तक नीचे अपॉन में टी आ जाता है, क्या कर रहा हूं मैं, अपॉन में टी आ जाएगा, क्या करोगे, चेक करोगे, चेक करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, चलो पहले चेक कर लेते हैं। चेक कर दिया, आ गया वाली, कोई भी क्वेश्चन आगा भविष्य में अभी तक उसको चेक ही ना करूं। अब 0/0 की फॉर्म बननी है भाई, भाई वन होगा, वन वन माइनस वन कितना हुआ है, 1 - 1 0 बना, बनना होता मैं बंद कर दूंगा लेकिन प्रूफ। चलो फिर एक ही बार मास के 3t, 2 मास के 3 प्लस हो जाएगा, दिस इज द 3 - 3 = 3, एडजस्ट कर रहा, फाइनाइट आ रहा है निकल के, ठीक है। चलो लेट क्या लिख रहा, ft e^3t e^60 लाप्लास ऑफ ft, लाप्लास ऑफ e^3t, लाप्लास ऑफ e^60। और आप सभी होशियार हो, जानते भी हो, तो लाप्लास e^8t क्या होता है, 1/p - a, दिस इज द माइनस है, तो देन क्या होगा, p+3, 1/p+6, क्लियर है। ये किसके बराबर है, एफ पी के। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब लाप्लास ऑफ ft/t बराबर पी से इन्फिनिटी लिमिट एफ ऑफ पी, मतलब एफ एक्स, ये x+3 1/x+6 ठीक है, इंटू dx। अब मैं आपको हर रूल बार बार लिखा के नहीं दिखा सकता, अब एक डायरेक्ट लिखता हूँ मैं इसको, इंटीग्रल होगा 1/x+3, इंटीग्रल होगा 1/x+6 का, तो छात्रों ये बनेगा लॉग ऑफ, टोटल पूरा लिख दूँ, x+3 अपॉन x+6, और लिमिट लग गई इन्फिनिटी टू पी से इन्फिनिटी तक की, इन्फिनिटी, हाँ हद है, एक्स को कॉमन लोगे, इन्फिनिटी रख नहीं सकते ना ऐसे हम। ओके या रखना, तो लॉग ऑफ 1 भाई 0 आएगा, देखो इन्फिनिटी यहाँ रखो, 0 दिस 0, लॉग 1 आ गया, माइनस लॉग ऑफ कितना, यही रख दो चाहे, वो बात है कि p+3 p+6, ये आगा छात्रों लॉग ऑफ p+6/p+3, नोट हो गया, यहां तक तो नोट कर लिया होगा भाई साहब।
चल क्या रहा है लाप्लास हूं एफ टी अपॉन टी मतलब दिस अपॉन दिस ये चल रहा है बराबर दिस ये चल रहा है। तो आप सभी को मैं जानते ही हूं ये एफ टी है तो वही वाला रूल लगाना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया जीरो से इन्फिनिटी लिमिट ई की पावर मास के पी टी और एफ टी दिस ये रहा। क्यों लगा रहे हैं हम ये रूल पता है जीरो से इन्फिनिटी की लिमिट लेने के लिए लगा रहे हैं हमारे पास वो किसी भी पॉसिबल में नहीं आ सकती। ये एक रूल ऐसा है जो आपको ये प्राप्त करवा सकता है। अब पी ये तो है नहीं इसके साथ में तो पी को पुट कर दो जादू से जीरो जादू से जब जीरो पुट करा तो ई की पावर मास के थ्री टी ई की पावर मास के सिक्स टी अपॉन टी और डी टी बराबर लॉग ऑफ ये जीरो दिस जीरो छः बटे तीन मतलब दो और ये आपका आंसर होगा। कितने है भाई ये आंसर ये रहा ठीक है समझ में आ रहा है टेंशन फ्री होकर आ रहा है एकदम धांसू समझ में आ रहा होगा समझ रहे हो। स्टूडेंट वीडियो लाइक शेयर भी कर दिया करो शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्त वोस्तों को किसी को ठीक है। चलिए फिर चलते हैं आगे की तरफ टेंशन नॉट चले फिर टेंशन नाम का तो शब्द ही नहीं है डिक्शनरी में और इस तरह में भैया आपकी डिक्शनरी में हो तो बात अलग है। एक क्वेश्चन और मेरी बात पूरी खत्म अब आप सब होशियार हो गए ठीक है भाई साहब इतना दिमाग दे दिया है आपको मैंने एक क्वेश्चन और मेरी बात पूरी कंप्लीटली समाप्त होती हुई जा रही है। चलो कोई भी क्वेश्चन पूछ लो कोई भी क्वेश्चन क्या देखो चार पाँच छः बिल्कुल उसी की टाइप से होगा मैं कराता हूँ आपको चार क्वेश्चन नंबर चार कराता हूँ बस और ये मेरी लेक्चर कंप्लीट होता नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जीरो से इन्फिनिटी लिमिट समझ लो जीरो से इन्फिनिटी लिमिट आ रही है तो ये ही बारह जादू लगा रहे हैं जो हम जादू करते आ रहे हैं अब तक साइन टी डी टी बराबर आपको कितना पढ़ना पड़ेगा तीन बटे पचास। चलो भाई हम तीन बटे पचास कर देंगे कोई भी बात नहीं है टेंशन हमें लेनी नहीं है। ऐसे लिख लो इसको बस ये ले रखा है एलएचएस ले रखा है ना लेट इसको उठा लो पहले पहले इसको उठा लो अब इसको उठा लो जीटी मान लो इसको चलो थोड़ी देर के जीटी मान लो छात्र है ना जीटी आपका साइन टी है तो लाप्लास ऑफ जीटी ये तो मैंने ले लिया नहीं तो मैं लेता भी ना इसको तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व कर देता वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन आया ठीक। अब लाप्लास ऑफ टी इंटू जी टी मतलब टी इंटू साइन टी मतलब भूल गए क्या अरे भूल गए ना भूले बच्चे ना भूले कह रहे हैं सर जी हमें याद है याद ही रखियो कभी भूल जाओ समझ रहे हैं हाँ ये ऐसे ही हुए हैं जादू हुए हैं हाँ जादू सीखे हो ये तुम्हारा एप पी है ठीक है। देखियो कुछ कुछ नजर आ रहा है या चलिए फिर आ जाओ मास की पावर वन डी ओवर डी पी एफ पी दिस इरा ओके माइनस पावर आगे आएगी दिस इज द टू अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वेट करो रुक जाओ पी प्लस वन का होल स्क्वायर यहां तक बात हमारी कंप्लीटली है ये टू आ रहा है कोई बात नहीं मैं कर रहा हूं वेट करो दिस बच्चों कहीं पर गड़बड़ है क्या
पी स्क्वायर है। कहीं पर गड़बड़ है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कहाँ गड़बड़ है, टेंशन फ्री हो रहा हूँ। गड़बड़ है ना, या गड़बड़ है, ये 2p बनेगा, मैं ये तो कह रहा 2p बनेगा। हाँ बच्चों, तो ये आपका आ गया, ठीक है, आ जाओ इधर। अब समझना मेरी बात, निकला है आपका लाप्लास ऑफ टी साइन टी बराबर कितना आ गया आपका, निकल गया माइनस का 2p अपॉन पी प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आया है ना। अब वो लाप्लास ऑफ एफ टी, एफ टी यही है ना, बराबर कितना आएगा 0 से इन्फिनिट लिमिट ए की पावर माइनस के पी टी और एफ टी डी टी है ना। तो अब देखो 0 से इन्फिनिट लिमिट ए की पावर माइनस के पी टी टी साइन टी डी टी बराबर माइनस के 2p अपॉन कितना पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा यहाँ देखो चश्मा लगा के लिखा हुआ है, माइनस का 3 आना चाहिए, तब p की जगह पर अगर मैं 3 रख दूं तो मेरे को कुछ कुछ ऐसा मिल जाएगा, मिलेगा ना, मिलेगा यस ना। तो पुट p बराबर 3 0 से इन्फिनिट लिमिट e की पावर माइनस के 3t टी साइन टी और डी टी बराबर माइनस का 6 बटे 3 × 9 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 मतलब 10 10 का होल स्क्वायर 100 100 काट दिया 3 और 50 ए प्लस क्या ना आया प्लस आएगा तो 3/50। तो छात्रों यही आपका आंसर है, ये आपका RHS है, 3/50 ही आ रहा ना, 3/50 ही आ गया, समझ में आया, टेंशन फ्री होगा, कोई दिक्कत हुई ये एक्सरसाइज भी खत्म, अगली एक्सरसाइज बिल्कुल सेम इसी टाइप से होनी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई भी फॉर्मूला जो भी आपने अब तक पढ़े हैं वही रूल आपको लगाकर उसको कंप्लीटली करना है, जो क्वेश्चन ना पाए उसे मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।